Assalamualaikum beautiful peoples, my name is Adam and आप सभी लोग एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। पसीना जब आता है साथ में जो बिखरे बिखरे बाल होते हैं उस वक्त अपनी शक्ल देखने के भाई बहुत दिमाग खराब होता है एंड आई एम श्योर दैट मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कि रिलेट कर पाते हैं। सभी यहाँ से वैसे बाहर बाजार घर पर रख दिया मैंने। तो बाजार के अलावा भी एक जो काम को भी अलहमदुल्ला हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा घर के पास में क्या मस्त है, वो पत्तियां उग चुकी है बारिश की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत दिखता है। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइबर जिन्होंने वो पार्सल ऑर्डर किया था जो कि कल मुझे डिलीवरी बॉय ने किया था कि क्या इसमें हुक्का है, जबकि इसके अंदर है वाटर बॉटल। स्मार्ट वॉच इसको जो यूज़ कर करके है, बहुत सारे नेक बैंड को जो मैं यूज़ करके, नेक बैंड बेसिकली इसको कहते हैं, इसको यहाँ पे बहुत लोग जो ब्लूटूथ कहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं इसको परचेज करने के लिए आया था मैंने कहा कि नेक बैंड है भाई, एक बार के दुकान वाले ने मना कर लिया, बट देन फिर मैं उसको दिखाई कि ये भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको क्या कहते हैं, उसने बोला ब्लूटूथ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो यूजुअली मैं एयरपोर्ट से यूज़ करता था अपने ओरिजिनल है, डेफिनेटली भाई ओरिजिनल आते हैं 26,000 रुपये के। 26,000 के मैं अपने लैपटॉप में अपडेट ना कर लूँ कुछ। एयरपोर्ट यूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा सही है भाई, बहुत ज़्यादा मस्त है। आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो आप एयरपोर्ट को उसके केस में रख सकते हो, केस भी इतना साथ है। कल ही मैंने नेक बैंड को खरीदा जो कि भाई KDM का, ऑफलाइन मार्केट में भाई KDM सबसे बेस्ट मुझे लगता है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी एंड क्वालिटी के हिसाब से भी भाई बहुत ज़्यादा सही है। नॉट स्पॉन्सर्ड बाई KDM। जो एयरपोर्ट से मैंने कार में से जो बार बार जो गिर जाते थे तो भाई एयरपोर्ट गिर के टूट जाने से बेटर है कि वो जो एयरपोर्ट है मैं अपने ओल्डर ब्रदर को दे दूं। भाई मैंने ये वाला खरीद लिया नेक बैंड जो कि मैं पहले भी मैं यूज करता था नेक बैंड ही, वो तो भाई एयरपोर्ट जो कन्वीनियंट होते हैं इसके लिए मैं इसको खरीदा था, पोर्टेबल होते हैं। एंड अगर मैं ये नेक बैंड पहन के मस्जिद में चले जाता हूँ तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा, जबकि वो जो एयरपोर्ट थे उसको आपको सिर्फ निकाल के जो केस में डाल के रख देना था। एंड आप देख सकते हो भाई धूप अभी अभी जैसे फेस पे अभी अभी धूप चली गई। एंड भाई आज का दिन जो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म है बट भाई क्लाउडी, अरे भाई साहब ये तो मैं अभी देखा उस साइड के आप क्लाउड देखो क्या मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखो मैं गाना वगैरह मैं सुनता, न्यू कॉल वगैरह पिकअप करने के लिए मैं रखा हूँ, ये भी स्मार्ट वॉच भी मैं उसके लिए मेनली खरीदा था ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। तो क्योंकि मैं अपना फोन जो है साइलेंस पर रखता हूँ भाई, जब ब्लॉग शूट करता हूँ तब मैं तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और मम्मी का भी कॉल आता है तो मम्मी भी कहते हैं कि तू फोन नहीं उठाता है, वो गलती मुझसे ना हो इसके लिए मैंने ये खर्चे किया हूँ। देखिए भाई काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई इसकी कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है, मैं शोशा सिर्फ दिखाने के लिए मैं कोई चीज़ नहीं कहता, जैसे मैं आपको बता दिया एयरपोर्ट मेरे फेक है, नहीं तो कहने के लिए मैं कह सकता था मेरे एयरपोर्ट जो ओरिजिनल है, कौन आता चेक करने के लिए ओरिजिनल के फेक है। खाना वगैरह अपना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। भाई ये बादल देख के मुझे मेरा मन हो रहा है कि टाइमलेस लिया जाए, क्या बोलते हो? एंड बॉल्सो काफ़ी दिन से मैंने टाइमलेस भी नहीं लिया था, बॉल्सो जो मेरे नेल्स है भाई वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो जब तक मैं नेल्स काट लेता हूँ तब तक के लिए आप ये ब्यूटीफुल सा व्यू ब्यूटीफुल टाइमलेस इन्जॉय करो। आपने खूबसूरत सा व्यू, ये खूबसूरत सा टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा। एंड यस मीनवाइल आपने जो है नील्स भी मैंने काट लिया। तो वैसे तो इट इज 31°C राइट नाउ, आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा धूप है, और सब मोबाइल भी जो पूरा गर्म हो चुका है, और सो गर्म गर्म हवाएं चल रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई अभी जो क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आती है कभी भी धूप निकलती है। तो यहाँ पे इतने समय बाद वायरलेस माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जेटी साइड पे जो मस्त पानी भरा हुआ है, समुद्र भी एकदम फुल पड़ा है। भाई काफी लोग मुझे अलग अलग जगह के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पे जाके वीडियो बनाना अच्छा है, जो कि मैं उनका से थैंकफुल हूँ। भाई एक बात मैं कहता हूँ वीडियो के अंदर कि अगर जहाँ तक मुझे प्रॉपर रिसर्च पता नहीं होगी उस पर्टिकुलर स्पॉट की या उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पे जाके वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं कभी अगर गलत निकल गई ना, मैं वीडियो बनाने के बाद लोग जब इन्फ्लुएंस हो गए वहाँ पे जाने के लिए पर्टिकुलर स्पॉट पे, वहाँ पे जब उनका एक्सपीरियंस खराब होगा भाई, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसका एक्सपीरियंस खराब हो, किसका टाइम वेस्ट हो, डेफिनेटली ट्रैवल करने में थोड़े पैसे भी लगते हैं, जगह मैं नहीं चाहता, उनका टाइम पैसा और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो जो वेस्ट ना हो। भाई जो जो लोगों ने मुझे प्लेस रिकमेंड किया डेफिनेटली वहाँ भी चलूंगा, उसके पहले मुझे इन्फॉर्मेशन सब निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं प्रॉपर यहाँ पे वीडियो बना के आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी टाइम निकाल के ब्लॉग देखते हो वीडियो देखते हो
तो ये साथ में भी थैंकफुल हूँ। तो बात करें मैं यूट्यूब वीडियोस पे जब व्यूज क्यों नहीं आते, डेफिनेटली काफी लोगों ने ऐसा भी पूछा मेरे से कि मेरे चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आते। तो फर्स्टली अपना व्लॉग अपलोड करने के बाद तो मैं जो है कहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ, बस मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाता हूँ एंड अपने फेसबुक पे शेयर करता हूँ। उसके अलावा मैं अपने वीडियोज को जो कहीं और शेयर नहीं करता, भाई ये एक रीजन है व्यूज ना आने का। तो भाई यूट्यूब कैसा एल्गोरिथम है, भाई वीडियो देखने के बाद अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो रीच रुक जाती है थोड़ी बहुत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने से ना करने से यूट्यूब के वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई सब्सक्राइब हो गया अपने चैनल पे आ जाओगे आप एंड भाई व्यूज एक तरीके से आ भी सकते हैं। अगर आप वीडियो के नीचे आपके थॉट्स है कमेंट करो, स्पैम नहीं थॉट्स कमेंट करो कि आपके इस वीडियो के बारे में क्या थॉट्स है, क्या कहना है। अगर आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मेरी वीडियो को रीच मिलेगी, अगर रीच मिलेगी तो मेरी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएगी। दैट्स द ओवरऑल रीजन, बाकी और भी रीजन है तो कि आपको बताओ थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा। घर पे तो हम कब चुका था, रात के बज रहे भाई 8:52 एंड जो आपने इसके पहले वाले शूट देखा उसके बाद मैं ज्यादा कुछ शूट किया नहीं क्योंकि वो बाहर काम खत्म हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपना रात का खाना भी हो चुका है एंड ऑल्सो जो एयरपोर्ट था मैंने अपने भाई को भी दे दिया एंड बाकी मेरी शक्ल देख सकते हो भाई फुल टू ह्यूमिडिटी है अभी यहाँ पे। ऑल्सो इज प्रीटी वार्मर कंपैरेटिवली, आज दिन में एक्टिविटी भाई बहुत सही हुई, ठीक है भाई ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज होती है। अभी रात के बज रहे भाई 9:45 सुबह विद दैट इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पे समाप्त। बाकी डू कमेंट ऑन योर थॉट्स आपको व्लॉग कैसा लगा एंड बाकी अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आए तो मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना एंड याद से नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो से व्लॉग्स को जो मिस ना कर सको। क्योंकि 300 के लिए आज मैंने बंद कर लिया और उससे ज्यादा भी मैंने गेन किया। व्लॉग तो मैं माशाल्लाह एवरीडे कर रहा हूँ, तो भाई व्लॉग के अलावा अगर आपको और भी ज्यादा कनेक्टेड रहना है मेरे साथ में तो आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन नेवर गिव अप, वर्क हार्ड ड्रीम बिग, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।